कातरो गोजो हातके काकासी का कॉपी है, सब यही बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये कॉपी नहीं, ये दोनों कैरेक्टर एक ही है, यानी कि गोजो और काकासी एक ही बंदा है और एक ही बंदा दोनों एनिमे के अंदर है, नारुतो के अंदर और जुजुत्सु काइजन के अंदर। अब समझ में नहीं आ रहा होगा और तुम मुझे पागल बोल रहे होंगे, लेकिन आज मैं पूरा अपने रिसर्च से प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये दोनों बंदा एक ही है। भरोसा नहीं हो रहा तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं काकासी के टीम के बारे में बात करके और गोजो के टीम के बारे में बात करके। तो सबसे पहले काकासी का टीम के बारे में हम बात करें तो उसके अंदर तीन लोग है, एक है काकासी, दूसरा है ओबिटो, तीसरा है रेन। और वहीं पे हम गोजो के टीम के बारे में बात करें तो उसके अंदर है गोजो, गेटो और सुको, और ये तीनों मिलके, ये तीन तीन मिलके भाई टीम बने हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है। लेकिन वहीं पे हम यदि बात करें इन दोनों कैरेक्टर का, यानी कि काकासी का और गोजो का, तो इन दोनों कैरेक्टर के पास गर्लफ्रेंड नहीं है और ये लोग गर्लफ्रेंड से दूर रहते हैं। दूसरी बात नहीं, ये तीन है, मैं बात दूसरा बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि इन दोनों का दोस्त ही इनका दुश्मन बन जाता है। और यहाँ पे यदि तुम ध्यान से देखोगे, दोनों का दुश्मन बनने का जो प्रोसेस होता है वो भी 100% सिमिलर होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें काकासी का, इसका दोस्त ओबिटो बन जाता है इसी का दुश्मन, और इसलिए बनता है क्योंकि उसका गर्लफ्रेंड, जिसको वो कभी भी कन्फेस नहीं कर पाया होता है, उसको मार देता है काकासी, और इसीलिए वो दुश्मन बन जाता है काकासी का और वो विलन बन जाता है, वो भी बहुत ही भयंकर वाला। और उसके बाद ओबिटो क्या क्या करता है पूरे नारुतो शिपुडेन के अंदर वो तुमको पता है। और वहीं भी यदि हम गोजो का बात करें तो इसका भी दोस्त होता है गेटो, और ये भी दुश्मन बनता है इसलिए क्योंकि उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड को, जिसको वो कभी भी कन्फेस नहीं किया होता है, उसको उसके सामने मार देता है, और इसीलिए वो गेटो दुश्मन बन जाता है या विलन बन जाता है और उल्टा गोजो को पेलना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद पूरा जुजुत्सु मांगा के अंदर और सीरीज के अंदर क्या तबाही मचाया है उसने, वो तुमको भी पता है, मुझे भी पता है। अब तुम बोलोगे भाई इतना ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन भाई इतना ही सिमिलैरिटी नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि इन दोनों का बाल सेम है, आंखों में बहुत ज्यादा पावर है, आंखों पे पट्टी बांध के रखता है, मानता हूँ काकासी का एक ही आंख पे पट्टी होता है, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम ही करते हैं। उसी के बाद दोनों का बात करें तो दोनों सेंसे है और दोनों इतना ज्यादा सेक्सी है कि भाई कोई भी देख के इसको पागल हो जाए। और सेंसेनेस का बात करें या सेंसे या मास्टर होने का बात करें, तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों का बच्चे के बारे में, यानी कि बच्चे नहीं, मतलब वो वाले बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करें काकासी का, तो उसके टीम में तीन बंदे हैं, मतलब तीन लोग हैं, जो कि है नारुतो, सास्के, साकुरा। और वहीं भी यदि हम गोजो का बात करें तो इसके अंदर है इतादोरी, मेगोमी और उसी के बाद हम बात करें तो नोहारा। और ये तीनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं, सेम टू सेम है। यदि हम बात करें नारुतो का तो वो भी एक फनी कैरेक्टर होने के साथ साथ मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है नारुतो सीरीज के अंदर। और वहीं पे यूजी के बारे में या इतादोरी के बारे में बात करें तो भाई साहब ये भी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है पूरे जुजुत्सु काइजन यूनिवर्स के अंदर। और वही भी यदि हम बात करें भाई इतना सिमिलर कैसे हो सकता है। और वही भी यदि हम बात करें साकुरा के बारे में और बात करें नोहारा के बारे में, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ थोड़ा सा कह सकते हो गुस्से वाली हुई है, जो कि तुम दोनों को दोनों कैरेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा होगा। और बात करें फुशीगुरु और सास्के के बारे में, तो ये दोनों कैरेक्टर कितना सिमिलर है, तुमने यदि नारुतो शिप्युडन नारुतो देखा होगा और यदि जुजुत्सु काइजन देखा होगा तो तुमको पता होगा भाई ये दोनों कैरेक्टर सेम है। सीरियसनेस, बहुत ज्यादा काम पे ध्यान देना और जब भी किसी से लड़ना भाई फालतू की बातें करना, भाई बस यहाँ पे काम पे ध्यान दे रहा, भाई इतना ज्यादा सिमिलर इनके विद्यार्थी के अंदर भी है। और यदि तुम अब भी बोल रहे हो कि गोजो और यदि काकासी मतलब अलग अलग है, तो मैं नहीं मानता भाई, इतना ज्यादा सिमिलरिटी किसी कैरेक्टर के अंदर हो ही नहीं सकता। भाई तुम देख लो, विद्यार्थी सेम है, टीममेट सेम है, स्टोरी सेम है, सेक्सीनेस सेम है, बाल सेम है, इतना ज्यादा कूल कैरेक्टर है, तो तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये दोनों कैरेक्टर अलग है। मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर दोनों एक ही है, तुमको क्या लगता है मुझे कमेंट के अंदर बताओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।